तो हम वही लोग हैं जो शहर के हर घर तक पानी पहुंचाते हैं एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर या डैम से। हम वही लोग हैं जो उन रिजर्वॉयर्स को भरने के लिए कैनाल्स बनाते हैं और उन कैनाल्स का यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। हम वही लोग हैं जो डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट तरीकों के पाइप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोल्ड वाटर को, नेचुरल गैस को, सीवेज को, और जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बिना फ्लूड फ्लो के काम ही नहीं कर सकती, फिर चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो या कोई भी गैस हो। तो इट मीन्स अगर हमारे पास एक एफिशिएंट फ्लूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो लेस होगी, उसका जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा, और जो बायोफ्यूल की बर्निंग है वो भी कम होगी, और उसको हम कह सकते हैं कि हम बेटर वर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे। और यही फंडामेंटल है इंजीनियरिंग का, दैट इज एफिशिएंसी विद इकोनॉमी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल सिस्टम से लेके, जैसे कि आर्टिफिशियल हर्ट्स, ब्रीदिंग मशीन्स, डायलिसिस सिस्टम से लेके ऑटोमोबाइल्स तक, जिनमें ट्रांसपोर्ट होता है फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू सिलेंडर्स, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स, कार्बोरेटर्स, एग्जॉस्ट पाइप्स में, वैक्यूम क्लीनर से लेके एयरप्लेन्स या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तक, हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स की एक गुड अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज़ जो थी वो थी कॉमन, दैट इज़ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फिर चाहे वो पाइप्स में हो या टैंक्स में हो, रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स या व्हीकल्स के ऊपर, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट्स, कार्स, सबमरीन्स, शिप्स। तो जब भी हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड की, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स की। इसका मतलब कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं विजुअल फ्लूइड एप्लीकेशंस को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब बहुत सारे मैथमेटिशियन आए थे, जैसे कि डैनियल बर्नौली, लियोनार्ड यूलर, जीन डी लैम्बर्ट, जोसेफ लुइस लाग्रांजे, पियर साइमन लैपलेस, आर्किमिडीज, आइज़ैक न्यूटन जैसे बहुत बड़े बड़े नाम आए थे, और इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत सारे एरियाज में काम किया। लेकिन इन्होंने कई बार ही कुछ एजम्पशंस को माना, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को इनके एक्सप्रेशंस को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आई। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स आए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के दम पे कुछ डाटा दिए इंजीनियर्स को, जैसे कि शेजी, पिटॉट, वीबर, फ्रांसिस, हेगन, पॉइजुअल, डार्सी, मैनिंग, बेजिन, वीजबैक जैसे बहुत बड़े बड़े नाम आए, जिनके डायरेक्ट डेटास का यूज़ करके इंजीनियर्स ने अपनी डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू रखा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इन्हीं तरह के कुछ ब्रॉड टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, बाउंड्री लेयर, या हाइड्रोलिक्स की जो पावर जनरेशन में एप्लीकेशंस हैं। तो जनरली एज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो बेसिक नॉलेज होगी अबाउट कैलकुलस या फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा, हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक लास्ट फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो दो भाई थे, विल्बर और ऑरविल, जिनको आप राइट ब्रदर्स के भी नाम से जानते हो, उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस का यूज़ करके अपने एयरप्लेन्स को परफेक्ट बनाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसके आगे पढ़ेंगे फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट, IAS, JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।